subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Hello, I'm Lubna and welcome to Inside Out. My guest tonight is a noted High Court judge and he is the host of a very popular talk show called Khwaja Naveed Ki Adalat. He is Khwaja Naveed. Many thanks for being here on the show, sir. जी जी अच्छा देखें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं इस वक्त बट करंट सिनेरियो के ऊपर पहले आते हैं बिकॉज वी आर ऑल एम्ब्रॉयल्ड इन इट वी आर स्टक टू आवर टीवीज व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल क्राइसिस बिटवीन इमरान खान एंड नवाज शरीफ आपका क्या ख्याल है नहीं देखें दोनों ही पॉलिटिकल लीडर्स हैं दोनों अपनी अपनी पार्टीज के हेड्स हैं दोनों ने मई के इलेक्शंस में हिस्सा लिया था जी। और एक जीत गया था एक को 35 सीटें मिली और उस वक्त खैर अपरेंटली ये था कि काफ़ी धांधली हुई है लेकिन फिर इन लोगों ने क्या किया कि पता नहीं गवर्नमेंट्स बनाने के लिए इनका क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ क्या हुआ कि दे एक्सेप्टेड द रिजल्ट्स एट दैट टाइम दो दे वर क्राइंग बट रिकाउंटिंग इनने मांगनी शुरू बाद में बहुत मांग में इन्होंने जाके बहुत सारी और इन्होंने बड़ी खुशी खुशी जाके जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाई सूबा सरहद क्या कहते हैं अब तो उसको पख्तूनख्वा की बना ली जी। वो प्राइम मिनिस्टर बन गए आसिफ जरदारी ने उनको ओथ दी बड़ी तकरीब हुई और फिर क्या है कि सब अपने अपने खाने कमाने में लग गए अब जब एक साल गुजरा कोई घंटियां बजी तो देखा कि कोई बहुत लंबाई लूट रहा है किसी को मौका ही नहीं लग रहा है तो अब दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो गया कि जी धांधली है ये है वो है ये हुकूमत नहीं खैर इमरान खान ने जलसे करने शुरू किए फैसलाबाद का जलसा किया सियालकोट का जलसा किया एक और पता नहीं बहावलपुर का किया बहुत सारे करें और कर रहे हैं उधर से वो मौलाना साहब आ गए जी और उन्होंने भी आके लाहौर में खैर उनके आने से पहले बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ वो किस बेवकूफ़ आदमी ने मशवरा दिया नवाज शरीफ को मेरी समझ में नहीं आता आई एग्री और मैं तो उस पर कॉलम लिखा था कि ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश है विद इन हिज ओन फोल्ड्स और ये हमेशा से होता है और आप ही के बंदों को तोड़ा जाता है और उनको माल लगाया जाता है तोड़ा जाता है और फिर उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जिसमें आपका जनाजा निकले तो हाँ तो इनके कौन एडवाइजर थे अरे भाई उस मौलाना के घर के आगे वो बैरिकेड आज नहीं 10 साल 15 साल से बने हुए थे बिल्कुल बने हुए तो व्हाई ऑन द ईव ऑफ हिज अराइवल आपको किसी ने मशवरा दिया कि आप इनको गिरा दो वो भी रात को 2 बजे और फिर जब आप देख रहे हैं कि वहाँ औरतें आके रेजिस्ट कर रही हैं और कह रही हैं नहीं गिराओ तो छोड़ दो भाई ऐसी क्या बात है चुगिया गिराने जाते हैं औरतें बच्चे निकल आते हैं वो पीछे हो जाते हैं केडीए वाले वापस आ जाते हैं वो कहते हैं नहीं साहब छोटे छोटे बच्चे हैं हम वापस आ गए हैं नहीं आपने स्ट्रेट फायरिंग और गुल्लू बट और प्राइवेट फोर्स बना ली बड़ा अफसोस हुआ देखें बहुत लोग मरे मुझे तो उस आईजी पर आता है कि वो कितना बेवकूफ इंसान है क्या मतलब उसने कोई सीएसएस किया था कोई इम्तिहान पास किया था चेक करना चाहिए कि उसको कमीशन किसने दिया उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई वो कितना बेवकूफ आईजी था जिसने अपनी फोर्स को कहा कि तुम गुल्लू हाँ कि गुल्लू बट की कमांड में चले जाओ और उसकी पूरी फोर्स जो है वो गुल्लू बट की कमांड में चली गई अरे यार ये ऐसे होते हैं आई जी मैंने तो समय बड़ी इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है देखे मैं भी हाईकोर्ट का जज रहा हूँ बिल्कुल देखे मुझसे आप वैसे बिठा के 2000 लतीफे सुन लें वो सुन लें कि जब आदमी अपना काम करता है तो वन हैज टू बी वेरी सीरियस तो इस आईजी को अपने काम के साथ तो ऑनेस्ट होना चाहिए था लेकिन उस आदमी ने पता नहीं गुल्लू भट्ट पे छोड़ दिया और वो बहुत सारे गुल्लू भट्ट उसकी फोर्स में थे जाके 14 पता नहीं औरतें मर्द मार दिए और 80 से ज़्यादा ज़ख्मी कर दिए और अभी तक उसकी फुटेज आ रही है खैर ये तो अब 302 बनेगा और ये इनके गले पड़ेगा और अल्लाह माफ़ करे वो जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था तो ये अगर एक नहीं तो दो भाई तो इसमें आएंगे ही आएंगे आई थिंक छोटे भाई को कोशिश कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर वही है ना उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है बड़े वाले की चूंकि वहाँ पे नहीं थी लेकिन बड़े वाले की इस्लामाबाद में आ जाएगी वहाँ भी वो करवा रहे हैं वही काम अच्छा कहते हैं ना वैसे तो कहना देखे ना हुकूमत तो हमेशा नहीं रहती है 5 साल देखे 5 साल भी चलो कहो पूरे कर लें
बिल्कुल, तो छठे साल तो अदालतें भी यही हैं, वकील भी यही हैं, कचहरियां भी यही हैं, जेलें भी यही हैं, और याद सबको रहता है। याद क्या, ये तो भुट्टो साहब ने जो करवाया था मोहम्मद अहमद खान नवाब का, तो एफआईआर जो थी वो क्लोज हो गई थी, जुडिशियल इंक्वायरियां हो गई थी, सब बंद हो गया। 5 साल के बाद जब मार्शल लॉ लगा 1977 में और उस वक्त जियाउल हक की हुकूमत आई, तो बैरिस्टर अनवर से मशवरा किया गया, उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट बनाई, उसी एफआईआर की बेसिस के ऊपर सारी एविडेंस कलेक्ट की, और वही जो जुडिशियल इंक्वायरियाँ इन्होंने खुद करवाई हुई थी भुट्टो साहब ने, उन्हीं गवाहों को रखा गया, वही आईजी और डीआईजी आए, उन्होंने फर कन्फेशन दिए। अभी ये जो आईजी डीआईजी हैं 5 साल के बाद ये सारे रिटायर होंगे, और इनको अगर एक वो बुला के बंदा सवाल करेगा तो ये फर बोलेंगे तोते की तरह, समझे ना, सब अबैंडन कर देंगे अपना स्टांस और नई हुकूमत का स्टांस ले लेंगे। तो हम देखते हैं अब वो बात कर रहे हैं। ये तो मैं उस सिनेरियो में कह रहा हूँ कि जब ये 5 साल पूरे कर लें, और अगर ये जिस तरह से धरने चल रहे हैं और इनकलाब आ रहा है, और ये अगर इसी महीने ईद से पहले चले जाते हैं, जिसकी काफी उम्मीद है, तो फिर तो इनका वैसे ही काम उतर जाएगा। अच्छा, तो आप सबसे पहले कह रहे हैं इट वाज बैडली हैंडल्ड, यानी इतना इल एडवाइज था एक्शन, इतना इल एडवाइज एक्शन था कि सोच भी नहीं सकता। इट वाज, लेट्स गो ऑन टू ताहिर। खैर ये हुआ है कि मैंने इस पे कॉलम भी लिखा था, और शायद उसके नतीजे में इन्होंने अपने आजू बाजू में देखा, और सबसे पहले तो राणा सनाउल्लाह की छुट्टी की। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राजा सनाउल्लाह बेचारे पे ऐसे ही उसको बल्ली का बकरा बनाया गया है, असल ये काम हमजा शहबाज का था, लेकिन अच्छा। हाँ, लेकिन वो अपने बंदे को बचाने के लिए वो बेचारे राजा सनाउल्लाह ने कुर्बानी दी, तो वो बकरा बन गया। ओके, कमिंग टू ताहिरुल कादरी साहब, हम व्यूअर्स बहुत सारे लोग बैठ के कहते हैं औरतें बैठाने की क्या ज़रूरत थी, आई मीन धरनों पे भी औरतें मारी गईं, व्हेन दे ट्राइड देयर पीपल वॉक टुवर्ड्स व्हाट यू कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, उनका सिलसिला और है, उनका है पीरी मुरीदी का सिलसिला, पीरी मुरीदी तो बट आप औरतें क्यों अपने सिक्योरिटी के लिए रखती, वो भी बच्चे और औरतें, फॉर गॉड सेक्स, यू आर नॉट गद्दाफी। अगर औरतें रखनी, वो वाली औरतें रखो जो हसीन, जो बिल्कुल गंस के साथ बैठी हुई हैं। I mean, you're not Muhammad Gaddafi ने तो टाइट औरतें रखी नहीं, लेकिन वो टाइट भी कुछ नहीं कर सकी। ये तो बेचारी मासूम फैमिली वाली औरतें हैं, वाली घर की औरतें, लेकिन पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी बेशक है, बड़े जबरदस्त जवाब देती हैं मीडिया को, बिल्कुल देती हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम, और इंकलाब की बातें करती हैं, एम्पावर्ड वुमेन। मगर मेरा सवाल ये है कि आपने अपनी कंटेनर के सामने इनको बिठाया हुआ, आपने मॉडल टाउन के घर के सामने धरनों पे बिठाया हुआ, औरतों का क्या काम है? ठीक है, दे आर सपोज टू बी देयर, बट यार, कीप अनदर फ्रंट फ्रंट इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाई आर द वुमेन एंड चिल्ड्रन बीइंग यूज्ड? आई मीन, हमने देख लिया, पता नहीं, कोई ज्यादा समझते होंगे वो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द एजेंसीज, अब देयर इज अ लॉट ऑफ हलाबालू के ये इस्लामाबाद में तो मक्खी भी नहीं बैठती गलत जगह पे, आई मीन इट इज पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे कपड़े टांग दिए उन्होंने तो वो एक औरत ने बड़ा अच्छा बयान दिया, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में किसी ने को कमेंट्स पास किए होंगे कि भैया सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे कपड़े लटकाए हुए, उसने कहा कि इनको हमारे कपड़े तो नजर आ गए, जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आया। I mean, going back to the agencies, बहुत सारी agencies बीच में आई, उनने कहा हम we have nothing to do with it, पता नहीं कितनी agencies थी, मैं तो I've even lost count of and lost touch with, हो क्या रहा है अब, it's too long drawn out an affair। अब आप मुझे बताएं ये soft coup होना चाह रहा है या क्या हो रहा है इस वक्त? नहीं देखें, बात तो ये है कि अपरेंटली अब वो तो एक कहानी है ना कि जी स्क्रिप्ट है, थ्योरी तो चल रही है ना अखबारों के अंदर, तो सब कुछ आ रहा है, तो एक बातें है ना कि स्क्रिप्ट चल रहा है, स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक इधर से चल रहा है, एक उधर से चल रहा है, फिर टाइम लॉजिकली मिलिट्री कैन नॉट टेक ओवर, वो सारी कहानियां हैं, ठीक है ना। जो सामने चीज है वो ये है कि आज ये देखें कि इमरान खान जैसा आदमी भी 40 दिन से कंटेनर में रह रहा है, नहीं वो आते जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, शेव करने जाते हैं, वापस आ जाते हैं, ओके आज आते हैं तो उनका चेहरा बड़ा फ्रेश होता है, चमक रहे होते हैं, तो उधर से शेव वेव करके थोड़ा क्रीम श्रीम लगा के आते हैं,
लेकिन मौलवी साहब तो कहीं भी नहीं जाते, असल में उनको तो शेव करते नहीं है। उनकी तो रेजिलियंस की मैं भी दाद देती हूँ, वो वही बैठे। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आई मीन आपको क्या लगता है ये और कितने दिन चलेगा? देखिए जी, बात यह है कि शायद कुछ डिले होने से उनका कुछ जोर टूट गया, तो अब उस जोर को रीबिल्ड करने के लिए अब जो मुझे लग रहा है वो एक्शन रीप्ले हो रहा है। क्योंकि पहले उन्होंने 3 जलसे किए थे, एक लाहौर, एक बहावलपुर, एक फैसलाबाद जी। तो उन्होंने ये एस्टीमेट किया था कि बस हमारी पावर आ गई है, अब हम एक कॉल देंगे तो सारी दुनिया सड़कों पर निकल आएगी। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रेजिस्टेंस काफ़ी था, कंटेनर थे, वो थे वो थे, तो आम आदमी तो निकला नहीं। जो डेडिकेटेड वर्कर था वो निकल आया। अब ये बात कल इमरान खान ने भी कही कि पार्टियों के जो वर्कर्स होते हैं वो कम होते हैं, बाकी फॉलोअर्स, अवाम, फैंस वो ज़्यादा होते हैं। और मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ। बहरहाल अगर 5,000 वर्कर भी किसी के पास हैं, बहुत बड़ी तो बहुत बड़ी फोर्स है, ठीक है ना। और फिर ये लोग इतने दिनों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो समथिंग वेरी बिग। और अच्छा, फिर उन्होंने अब कराची में अब देखा कि ये जरा सा सिलसिला नरम पड़ा है कराची तो कराची में उन्होंने नहीं तो वहाँ भी जो आपके 3 जलसे हुए थे इनके, आप भूल गई हैं उनको, फैसलाबाद में याद है, फैसलाबाद में हजूम था, सियालकोट में हजूम था, वहाँ हजूम था, भावलपुर में। अच्छा, अब कराची में बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई है। इसके बाद जब ये लाहौर जाएंगे तो आई गारंटी यू कि कराची से दुगना क्राउड होगा लाहौर में। अच्छा जी, बिल्कुल। मैं इसलिए कह रही हूं कि कराची में हुजूम खड़ा हुआ क्योंकि ट्रेडिशनली हम MQM के शहर माने जाते हैं ना। आई मीन कराची में अगेन इतना हुजूम नहीं, वो बात ये कि 2.5 लाख इंसान था। इमरान खान वैसे भी तो देखना एक हीरो भी तो है ना, है तो वो, उसको देखने के लिए भी दुनिया आती है। तो मैं जब हाईकोर्ट का जज होता था तो हमारा वो मेरा रूम भरा रहता था 3 बजे तक। एक दिन मेरे रीडर ने आवाज़ लगाई लास्ट केस, तो कोर्ट भरा हुआ था जी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई लास्ट केस तो ये लोग क्यों बैठे हैं, तो वो मुझे बड़े गुस्से से कहता है कि साहब ये आपको देखने आते हैं। क्योंकि मैं भी मीडिया आप भी सेलिब्रिटी हैं, आप भी होस्ट हैं, कहने लगा कि सर ये आपको देखने आते हैं। तो इमरान को देखने के लिए भी तो दुनिया उमड़ के आती है ना, हीरो भी तो है, जमायमा का हस्बैंड भी है, काफी होते हैं उसके, मगर मैं सीता वाइट का भी दोस्त है, तो उसकी सेलिब्रिटी तो है ना। पाकिस्तान में जब कोई कोर्ट जाता है तो केसेस पेंडिंग में चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च 1.6 मिलियन पेंडिंग केसेस, दैट्स अ लॉट ऑफ पेंडिंग केसेस, इट मस्ट बी मोर नाउ और आई कुड बी इनकरेक्ट। नहीं, केसेस की मुझे एक्चुअल तादाद पता नहीं है, वो फिगर्स अच्छा। आती रहती हैं, सर्कुलर भी आते हैं, बहुत पेंडिंग है, डिस्पोजल भी होता रहता है। पेंडेंसी इसलिए है कि इंस्टीट्यूशन ज्यादा है, और वो हमारे पुराने जो चीफ जस्टिस थे वो ये कहते थे कि इंस्टीट्यूशन ज्यादा होने का मतलब ये है कि लोगों का जुडिशरी के ऊपर एतमाद बढ़ रहा है, अच्छे ज्यादा से ज्यादा केस ला रहे हैं। तो अब ये है कि डिस्पोजल का जो सिलसिला है, अब हमारे यहाँ एक मैक्सिम है कि जस्टिस हरिट इज जस्टिस बेरिट, जिस तरह कहते हैं कि जस्टिस डिलेट इज जस्टिस डिनाइड। तो अब ये दोनों चीज़ें हैं, तो म्याना रवि से चलना पड़ता है। जजों की तादाद कम है, रिसोर्सेज कम है, स्टेनोस, हर चीज़, मतलब जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस कदर नहीं है। अब इस वक्त आप लोअर कोर्ट में अगर चले जाएं जी, गर्मियों में सिटी कोर्ट बहुत नहीं, 10 बजे लोड शेडिंग होती है, 1:30 बजे तक कंप्यूटर नहीं चल रहे होते, टाइपिस्ट बेचारे टाइप नहीं कर सकते, हर चीज़ वहाँ अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। और फिर क्या हालत होती है गर्मी की, के वकीलों ने ऊपर से कोट पहने हुए, ऊपर से पंखा भी नहीं चल रहा, ऊपर से 46 डिग्री। हुकूमत या जुडिशरी जनरेटर्स क्यों नहीं अपने कोर्ट्स को दे देती? लाहौर वालों ने एयर कंडीशन किए हुए हैं अपने, वारे वहाँ तो है। लाहौर में और पंजाब में हर चीज बेहतर है, वो वहाँ शहबाज शरीफ है ना, वैसे हमारे पास भी बेनजीर और आप पॉलिटिकली उससे एग्री करें ना करें, माल बनाया था उसका काम है। आवर प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स, अब कोई देखा, किसी देखा नहीं इस तरफ, इधर तो आपको पता है कुछ है ही नहीं। वो बहरहाल ये कि काम करता है कौन, शहबाज शरीफ। हाँ, आई टोटली एग्री। आई मीन उसकी गवर्नेंस कंपैरेटिवली बाकी सारे सूबों से बेटर है। I agree. He's actually very good at governing Punjab. अच्छा ख्वाजा नवीद साहब, आप मुझे बताएं, there
can there be another system to fasten justice in the court system? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. I mean, सब court तो नहीं जा सकते ना. देखें जी, मैं देखें मैं lawyers are very expensive. Court time is very expensive. मैं boost नहीं कर रहा. जी. मैं हाई कोर्ट का जज था. ठीक है, हम बड़े उस कंट्रोवर्शियल पीरियड में बने थे. हमें पीसीओ जज कहा जाता था. अच्छा. लेकिन जो जज कौन सा भी हो या ओथ कोई भी लियो, बात तो ये क्या फैसला क्या कर रहे हैं जी. तो मैंने एक साल में 1400 केसों का फैसला किया. वाओ. और 14 अपीलें नहीं हुई. 352 तो रेंट की जो अपीलें थी, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन होती है. जज थे जो काम कर रहे थे. नहीं, और अपना अपना सब लोग कर रहे थे. अच्छा. लेकिन मैं अपना फिगर बता रहा हूँ. अच्छा. विच वॉज एट दैट टाइम हाईएस्ट. अच्छा. वाह जी. तो बात यह है कि अगर जज करना चाहे काम तो उसको नहीं, दूसरा कोई नहीं सिस्टम होएगा. आई मीन सिस्टम यही अच्छा है. ये अंग्रेजों का रातों को भी काम कर ये अंग्रेजों का नहीं, नहीं वो नहीं हो सकता. होता है अमेरिका में होता है. नहीं, बात ये है कि वो यहाँ टू मेनी केसेस. यहाँ किसी ने एक दफा तजवीज दी थी कि कोर्ट की डबल शिफ्टें लगाई जाए. जी. जैसे स्कूलों की डबल शिफ्टें हैं. ओके. वो मैंने उसकी मुखालफत की थी कि ये प्रैक्टिकल नहीं है. क्यों? क्योंकि लॉयर्स तो वही होते हैं ना. तो फिर वो दिन को भी काम करेंगे, रात को भी करेंगे, केस बनाएंगे कब और पुटअप कब करेंगे, लॉ की रिसर्च कब करेंगे, क्लाइंटों को कब मिलेंगे. सो दिस इज ऑल प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज. बात ये है कि जजिस को बिल्कुल हो सकता है ये सिस्टम. हर वकील को कहें, कितना बड़ा भी केस हो, उसे कहें कि आप आधे घंटे से ज्यादा नहीं आर्गू कर सकते. अपने सिनॉप्सिस बना के ले आए और आर्ग्यूमेंट जो है वो शुड नॉट बी मोर देन हाफ एन आवर. सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में भी यही होता है. आपको यहाँ क्या होता है कि 250 वकील बैठा हुआ है, 1000 लिटिगेंट पब्लिक बैठी है, रूम खचाखच भरा हुआ है, एक वकील आगे अपना एक केस लेके खड़ा है. जो सुबह से खड़ा है वो रूलिंग लेके किताबें पढ़ता जा रहा है, पढ़ता ये वो वाली किताबें पढ़ रहा होता है जो उन जजों ने 100 दफा पहले से पढ़ी हुई है. सही. तो भाई आप उसे कहें कि मियाँ ये किताब की फोटोकॉपी करा के दे दो, हम घर जाके पढ़ लेंगे. यू टेल मी व्हाट इज योर पॉइंट. मैं जज था ना, तो मैं खैर किताब खोलता ही नहीं था. मैं पूछता था जी मसला क्या है, जिस तरह ख्वाजा नवीद की अदालत में होता है. मैंने प्रैक्टिकली वैसे चलाया. लोग आप यकीन करें कि जो बातें प्लीडिंग्स में लिखी हुई थी वो नहीं बताते थे, सच बात बताते थे. सच बात बताते थे. और मैं उनको उसी वक्त 2-3 प्रपोजल देता था. लोग लिटिगेशन से इतने तंग थे कि एकदम कबूल कर लेते थे. मसलन मैंने आपसे, किसी ने आपसे 16 लाख रुपए लेने हैं, तो मैं डायरेक्ट उससे पूछता था कि भाई बात सुनो, अगर आज तुम्हें 10 लाख दिला दूं तो ले लोगे? उन्होंने कहा नहीं सर मेरे ये है वो. मैंने कहा अच्छा 12 दिला दूं? वो कहता था ठीक है साहब. दूसरे को मैं कहता था भाई 4 लाख का फायदा हो रहा है केस, तुमने वैसे ही हारना है, तो बेहतर है यही तुम्हारा प्रॉफिट हो जाए. तो फिर मैं उसे कहता था देखो अगर अभी नहीं है तो मैं किस्तें भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी तो कुछ तो दो इसको. आप 15 मिनट में लोग एग्री हो जाते थे. वो कहता जी मैं 5 लाख अभी दे देता हूँ, बाकी 3 कल दे दूंगा, 2 अगले दे दूंगा. ये I mean, आपने अच्छा वो pleading, shleading, जिसमें लिखा हुआ था oath के ऊपर लिखा था कि I deny, मैंने दे. अच्छा landlord tenant आते थे, मैं tenant को कहता था बात सुनो तुम मालिक तो नहीं हो ना मकान के, तुमने छोड़ना है. तो आप broker को commission देते हो और वो आपको 11 महीने के लिए टोटल मकान लेके देता है. मैं बगैर commission के तुम्हें 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, 1 महीना ऊपर. मैं कहा 1 साल में भी नहीं छोड़ो तो फिर लख लाना. ठीक है ना, लोग 1 मिनट में एग्री हो जाते थे क्योंकि वो लिटिगेशन से, वो लिटिगेशन से थक हार के आते थे. लैंडलॉर्ड कभी कभी कहता था सर ये बहुत ज्यादा टाइम है ये, तो मैं उसे ये बताता था कि अगर आज मैंने तारीख दे दी तो ये केस दोबारा 12 साल बाद आती. हाँ ये भी बात है. अच्छा हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म has manifested into strikes. हमारे चौधरी इफ्तिखार साहब को काम देखिए, अब ये कि चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब stormed the Supreme Court. No, we haven't forgotten, sir. You know, पथराव किया कुछ, था. सब कुछ हुआ है. उसकी वीडियो पड़ी हुई है. I mean, yeah. उस पे सजाएं हुई हैं. वो बेचारा तारक अजीज निलाम घरवाले को भी सजा हुई थी. उसमें बड़े-बड़े वो सूरमाओं के नाम थे. अब मुझे एक बात बताएं. Lawyers fought back for justice for their. I mean, this the law has become a mockery. It is now, I mean, with all due respect. मॉकरी नहीं है, मैं लॉ को भी डिफेंड करूंगा. जिसका लॉयर्स को भी डिफेंड करूंगा, अपने प्रोफेशन को भी करूंगा. चौधरी इफ्तिखार साहब, जिसका जो दिल चाहे, जो भी पावर में, आई डोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग, आई डोंट केयर, आई विल मेक इट अ पॉइंट टू गेट रिड ऑफ यू, वेदर इट इज नवाज शरीफ, वेदर इट इज मुशर्रफ.
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, असल में बात यह है कि लोग भी बात उस वक्त करते हैं जब अगला चला जाता है। जब इफ्तिखार चौधरी साहब यहाँ थे जी, आप देखें कोई पर नहीं मार सकता था, वो उतरते गए तो किसी ने कहा ना इंसाफी है, किसी ने कहा कुछ है, किसी ने कहा कुछ है, यानी बाद में बातें करते हैं। उस वक्त करते ना, उस वक्त तो वो दो बोतलें शराब की भी निकल आती थी तो वो बंदा पकड़ लेते थे, ठीक है ना। आई टोटली और सारे कहते थे वाह 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 वाह, जैसे मुशायरे में नहीं वो शायर शेर पढ़ रहा था उस। अब इसलिए कह रही हूँ कि लुक यू हैव टू अंडरस्टैंड उस वक्त और इस वक्त व्हाट इज द डिफरेंस, पावर एंड नो पावर, नो देयर इज। नहीं मैं आपकी बात नहीं समझा, मतलब आप क्या चाह रही हैं? मैं कह रही हूं इफ्तिखार चौधरी के उस वक्त में और उनके नहीं, आजकल तो खैर उनके पास पावर नहीं है ना। हाँ, तो रिटायर आदमी है, उन पे कीचड़ छाने जा रही है, बट मुशर्रफ साहब ने क्या करा उनके साथ? नहीं, मुशर्रफ ने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा देखिए, मैं मुशर्रफ को डिफेंड नहीं कर रहा, मुशर्रफ ने एक रेफरेंस बनकर आया था, उसने वो फाइल कर दिया, उसका कोई जाती इनसे लेना देना थोड़ी था। Okay. वो तो बल्कि उल्टा ये है कि मुशर्रफ की और इनकी अच्छी दोस्ती थी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। I'm sure. लेकिन मुशर्रफ के अंदर एक बात थी कि जो भी उसका कोई था जी, वो दोस्तियाँ सब चीज अपनी जगह थी। काम के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। आपको पता है जावेद जब्बार से भी जब इस्तीफा लिया था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई दोस्तियाँ अपनी जगह है लेकिन काम काम होना चाहिए, फौजी है ना, ठीक है, तो फौज में काम, फौज में काम में रियायत नहीं होती। यानी आप कितनी दोस्ती करें, रात को खंडक में बैरक में पता चला कर्नल और स्पाई इकट्ठे सो रहे होते हैं, सही है, लेकिन सब काम होता है तो वो कर्नल होता है, वो स्पाई होता है। बात तो है, हमारे मुशर्रफ साहब को इस वक्त बाहर जाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मैटर। देखिए अल्लाह खैर करेगा, चूंकि सब जुडिस मैटर है तो मैं उसमें नहीं करता, लेकिन मेरा ये दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिंध हाईकोर्ट के जज साहब ने फैसला दिया है जी, वो बिल्कुल सही फैसला है और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। हमारे नाज़रीन को बता दें, वो फैसला यही है कि उनको ECL के तहत मतलब हटा दिया गया उनका नाम और उनको बाहर जाने की इजाजत दी गई है। अच्छा, फॉर ट्रीटमेंट जी, डबल बेंच का फैसला है, ठीक है, और ट्रीटमेंट भी है, उन्होंने अपनी वालदा को भी मिलना है, और फिर ये कि उन्होंने एफिडेविट दिया था कि वो आते जाते रहेंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो बच्चे यहाँ हैं और मजे नहीं, नहीं घर है, फार्म हाउस है, पूरी नौकरी है, पेंशन है, बिल्कुल यहाँ से भागेंगे तो खाएंगे कहाँ से। उनको सारी दुनिया ने मना किया कि पाकिस्तान नहीं आओ, वो अपनी मर्जी से आ गए, मैंने भी मना किया था, मैंने भी मना किया था नहीं आओ, आपने भी मना किया था, ओके, लेकिन वो अपनी मर्जी वाले हैं, किसी की मानते थोड़ी। हाँ ये भी बात है, तो फौजी ना, किसी की माने तो बस क्या ही बात है। मैंने उनसे कहा था कि सर आपके साथ बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बल्कि बात नहीं, उन्होंने कहा प्रॉब्लम है क्या। ओके, हमारे यहाँ लो कन्विक्शन रेट्स होते हैं कोर्ट्स के अंदर, क्यों? लो कन्विक्शन रेट इसलिए है कि आप जब सच्चे केस में झूठे गवाह रखते हैं तो केस प्रूव ही नहीं होता, झूठा गवाह शक्ल से ही झूठा लगता है, अपने डेमेनर से उससे दो सवाल पूछो तो वो लरसने लग जाता है, झूठा गवाह है, एक मिनट में समझ आ जाता है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसको विटनेस बॉक्स में खड़ा करते हैं वो कांप रहा होता है, या वो इतना ज्यादा हाइपर होता है कि तोते की तरह बोल रहा होता है, यानी उसका नेचुरल कंडक्ट ही नहीं होता, और दो मिनट में तीन चार सवालों में फंस जाता है वो। तो यू मीन फेक केसेस पकड़े, झूठे केस में नहीं, सच्चे केस में झूठे गवाह। अब ये भी मजबूरी है पुलिस की, पुलिस वाले कहते हैं सर हम क्या करें, इन्वेस्टिगेशन। देखिए मक्तूल नहीं, मक्तूल के घर वाले नहीं आते गवाही देने, वो डरते हैं टेररिस्ट से, कातिल से, कि ये बाकियों को कत्ल कर देगा। अगवा बराए तावान में वो लोग जो एक एक महीना उनकी कैद में रह के आए, दो दो ढाई ढाई करोड़ रुपए दे के आए, जब उनको कोर्ट में खड़ा किया तो उसने कहा जी कि हमारी तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी तो हमने तो देखा ही नहीं, मरे तीन महीने हम रहे हैं उसमें कैप्टिविटी में, उसे कहा जी तीन महीने ही पट्टी बंधी हुई थी, खुली नहीं। इतने डरे हुए, जाहिर है वो बता, उनको पता है कि भाई अगर आज बयान दे देंगे तो यही बंदे दोबारा उठा लेंगे, इसको नहीं तो उसके भाई को उठा लेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं, कहते हैं ना व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रैमिफिकेशंस ऑफ दीज धरनास, विल नवाज शरीफ स्टेप डाउन पीसफुली? आई मीन वेरी फ्रैंकली जो देखा गया है, एवरीवन हु स्टेज इन पावर नहीं वांट्स टू स्टे इन पावर,
वो अगला तो प्राइम मिनिस्टर की नौकरी पे बैठा हुआ है ना, यहाँ कोई एएसआई की नौकरी नहीं छोड़ता। आप जाए ना किसी थाने में एएसआई को बोले कि भाई इस्तीफा दे दो, कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इस्तीफा दूं? बोले कहोगे भाई तुम रिश्वत खा रहे हो, इस्तीफा दे दो, तुम्हारी तनख्वाह 15,000 है, तुम्हारे पास गाड़ी होंडा सिविक है लेटेस्ट मॉडल, वो कहता है मेरी किस्मत है तू भाग जा। नहीं अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कैन इमरान खान रिमूव हिम? नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में देखें पुराना जो जमाना था उस वक्त एक होती थी आर्टिकल 58(2)(b) जिसको फारूक लगारी 58(2)(b) कहते थे, तो वो जो आर्टिकल था उसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार था कि वो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के ऊपर असेंबली को तोड़ दे, एट हिज ओन भी वो तोड़ सकता था अगर जरूरत पड़ती थी। और इस तरह से 1990 से लेके 2000 तक 10 साल यानी एक डिकेट में 4 हुकूमतें तोड़ी गईं। व्हाट अ पार्टी! जी, एक दफ़ा पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग, म्यूजिकल चेयर था। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो 18th अमेंडमेंट आई तो इसमें 58(2)(b) जो थी उसको उड़ा दिया गया। तो अब जो है कि अगर कोई तोड़ना चाहता है असेंबली को तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना पड़ेगा या फिर जिस तरह मुशरफ साहब ने किया था सस्पेंड करना पड़ेगा। अब चूंकि आर्टिकल 6 की मशहूरी बहुत हो गई है तो इस वजह से अब मेरे ख्याल में लोग जो है या तो डरते हैं या फिर अब खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ तो यही होगा कि आर्टिकल 6 भी साथ ही जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने ये देखिए मैंने कई लोगों से महफलों में या इधर उधर बहस करते हुए ये आर्गूमेंट भी सुना है जी। वो ये कहते हैं कि देखें कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क के लिए होता है, मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं होता। नहीं होता। अगर मुल्क तबाह हो रहा हो तो क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को सर पे लेके बैठे होंगे? मुल्क बचाना है, अवाम बचानी है, जुल्म को खत्म करना है, करप्शन को खत्म करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब देखे ना। नहीं, मैं उसी ट्वीकिंग हमेशा जो आता है उसकी ट्वीकिंग कर रहा होता है कॉन्स्टिट्यूशन की। वो देखिए ना कि बात ये होती है ना कि जो पावर में आता है वो अपने आप को अकले कुल समझता है। अभी भी ये मियां साहब जो पार्लियामेंट में आए तो इमरान खान को दुआएं दें कि वो आ गए, वरना उनकी वो एक किचन कैबिनेट थी, इसमें उनके 3 बंदे थे, एक उनका समधी था, एक आध कोई और था, एक उनका भाई था, चौथे वो खुद थे, पांचवा कोई मिनिस्टर नहीं मिल सकता था उनको। आई नो द मिनिस्टर जो 2-2 महीने से टाइम मांग रहे थे उनसे मुलाकात का नहीं मिलता था, और एमएनए वगैरह तो उनका साया भी नहीं देख सकते थे, सिर्फ अखबार में फोटो देख सकते थे या वो टीवी वगैरह में, ठीक है ना। तो बल्कि क्या क्या बातें बताएं आपको, आप वापस आ जाइएगा मेरे शो पे बताने के लिए, बट लेट मी स्टिक टू द फॉर्मेट। गॉसिप विद लुबना होगी। ओके, व्हाई आई मेंशन्ड, कहता है ना कहां तक सुनोगे कहां तक सुनाएं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताएं। यू आर अ ग्रेट पोएट सर। अच्छा देखिए, ट्वीकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के यहाँ वुमेन्स राइट्स मारे गए, ब्लास्फेमी लॉ, आई मीन इट इज जस्ट बीइंग अनडिनायबली unjustifiably many log aise hi sentimental of the continental ho jate hain. continental kaise hote hain? blasphemy law, blasphemy, I mean koi musalman ke upar to blasphemy law istemal nahi hota. christians, hindus, wo agar ek do reh bhi gaye hain, hamare yahan hindu rahe nahi hain, sab chale gaye wapas, kahin wapas kya gaye? nahi abhi bhi bahut hain, aisi baat nahi hai. interior census, aadhe log ja rahe hain, आधे हिंदू नहीं, नहीं वो मिलने जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, गंगा नहा के आ जाते हैं। अच्छा, गंगा से नहा के आप, आपको बता के जाए गए थे जी, जी, सारे गंगा नहा के आ जाते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इट इज बीइंग अनजस्टली यूज्ड ऑन वुमेन, ऑन थिंग्स सच एज क्रिश्चियन वुमेन, आई मीन जिसका जो दिल चाहता है भाई, आपने इस्लाम को ये कह दिया। वो एक पागल मुल्ला था, सॉरी आई एम कॉलिंग हिम पागल, बड़ा है, आई फील ही इज पागल, वो सम डेफ म्यूट गर्ल हु वाज एक्चुअली आल्सो मेंटली अंडर डेवलप्ड, शी वेंट एंड ट्राइड टू बर्न सम पेपर फॉर, पता नहीं नहीं वो भी उसमें कहते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ द होल स्टोरी, हाउ कैन यू प्रोसिक्यूट समवन, ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट स्टोरी इज अगेन डाउटफुल, अगेन हाउ कैन यू प्रोसिक्यूट समवन और पुट देम इन जेल फॉर ब्लास्फेमी, इट्स अ वेरी डाइसी नहीं नहीं thing. देखे बात ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। अब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है उसके लिए मतलब हमारे पास और पैगंबर जितने भी हैं तो उनका तकद्दस जो है बरकरार रखना वो बिल्कुल? हमारा फ़र्ज है, बिल्कुल है, कब्रों का, इनका, मुर्दों का, जो भी उनकी इज्जत है, इसमें पूरे 291 से 290 से लेके और 293C तक जो है पूरे लॉ है, ए बी सी सब उसमें है। Nobody is saying not to, no, ठीक है ना? हाँ, अब क्या है कि कहीं कहीं कंट्रावेंशन आ जाती हैं,
तो उसको ये लोगों को ज़रा ये एजुकेट करना चाहिए कि इसको इशू ना बनाएं, इसको ड्रामा ना बनाएं। अगर किसी ने कुछ एक्ट किया है तो उसको पुलिस के हवाले कर दें। पंजाब में होता है। हाँ, तो भी आप उसको पुलिस के हवाले कर दें। पुलिस वो कहते हैं ना, रोड जाने थे फोड़ जाने। हाँ। पुलिस जाने और वो जिस बंदे ने जुर्म किया है वो जाने। हाँ। ठीक है ना। अब आप जुलूस निकाल रहे हैं, उनकी बस्तियां जला रहे हैं। यार खुदा ना खास्ता अगर किसी आदमी का जो बेटा है अगर उसने कर दिया तो बाप का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं। देखिए देखिए फ्रस्ट्रेशन जब होती है ना किसी को और खास तौर पे नौजवानों को, तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मतलब बहुत लोगों की जुबानों से कई अल्फाज निकल जाते हैं, बहुत चीजें निकल। मैं बहुत छोटा था, मैंने एक इंडिया की फिल्म देखी थी, छोटा तो नहीं था, जवान था, ये अमिताभ था शायद उसमें। तो ये बीए करके जाता है रोज सुबह नौकरी ढूंढने और शाम को वापस आता है। तो शाम को जब वापस आता है घर में तो वो देखता है उसकी माँ जो है ना वो घर में जो उन्होंने बुत बनाया हुआ है उसके आगे वो मोमबत्तियाँ लेके और वो अपनी इबादत कर रही होती है। तो उसको माँ को आके पता नहीं मना करता है, तो माँ कहती है कि बेटा भगवान को बुरा भला मत कहो। ठीक है ना, वो चीखने लग जाता है ना कि मतलब वो कि भगवान भी कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं, वो ना सारा डायलॉग बोलता है अपने स्टाइल में। तो माँ कहती है कि बेटा भगवान को बुरा मत कहो, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। कहता है माँ देर से बड़ा अंधेर क्या होता है। अच्छा ख्वाजा साहब, लेट्स टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी। पाकिस्तान डजंट हैव अ वेरी गुड रैप शीट ऑन दैट। आई मीन औरतों के हकूक वैसे तो मर्दों के भी नहीं होते बेचारे मर्द। बहुत से मर्दों ने ये मुतालबा किया है कि उनको औरतों के बराबर हकूक दिए जाए। Okay, I said that as a joke. You take it seriously? Really? हाँ, मतलब मैं ही कहता हूँ। नहीं, I mean, look, you know, gender equality is a problem in Pakistan. Well, it's a problem everywhere in the world. And women don't get paid. I mean, I don't know why they always say Pakistan, but again, the law should be the same for everyone. नहीं, the law same है. For women, for men, कोई discrimination नहीं है law में। Sensitized judges नहीं है sir। I mean there's sometimes a problem के judges जो हैं। नहीं, बल्कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ law itself is in favor of women। मसलन बच्चों की custody का जैसे है मामला। अच्छा। तो हमारे सुन्नी मुस्लिम गांव में जी 7 साल तक की उम्र का बेटा और 2 साल और 11 साल की उम्र तक की बेटी अपनी माँ के पास एज ए राइट ऑफ इजानत रह सकती है। ये इजानत अच्छा। अरबी का लफ्ज है मगर अंग्रेजी में भी ये इस्तेमाल हुआ है लॉ अच्छा। में ओके। इसका मतलब प्रोटेक्शन या जो भी ओके। है तो वो माँ के पास बची रहेगी ओके। अच्छा, अनलेस के शी इज डिसक्वालिफाइड। तो डिसक्वालिफिकेशन दो ही हैं, तीन। एक ये कि उसकी शादी किसी दूसरे आदमी से हो जाए, स्ट्रेंजर टू द चाइल्ड। नंबर दो ये है कि खुदा ना खास्ता उसका कोई करेक्टर की बात निकल आए जो कि प्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल कज़फ का लॉ भी है, आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं आपको खुद को 80 कोड़े लग जाएंगे, इल्ज़ाम साबित नहीं होगा। अच्छा, कैसे करेंगे साहब? ओके, ये तो छप्पर में होता है ना। अच्छा, तीसरा क्या है, खुदा ना खास्ता वो मेंटली अनफिट हो जिससे बच्चे की जान को खतरा हो एंड शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड। तो सिर्फ ये तीन डिसक्वालिफिकेशन हैं। अगर किसी औरत में ये तीन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है तो आंखें बंद करके 7 साल तक का बेटा और 11 साल तक की बेटी, शिया लॉ में 7 साल तक की बेटी और 2 साल तक का बेटा विदाउट एनी क्वेश्चन वो एज ए मैटर ऑफ राइट अपने पास रख सकती है। और हमारी अदालतें इस कदर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। अच्छा, हाँ, आप बच्चा जरा माँ से लेके छीने तो सही, तो ये वुमेन्स कोर्ट में चले जाए। नहीं, 491 में एक पिटीशन दाखिल करें, सेशन जज साहबान ने बकायदा टाइप करके ऑर्डर बनाए हुए हैं, सिर्फ नाम बदलते हैं और उसी वक्त जो है पुलिस एड ये SHO बेलिफ हर, हाँ, आप करके देखें। अगर किसी और करके आप ना करें, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर किसी माँ से किसी ने, बाप ने, ससुराल ने बच्चा छीना है उसकी मर्जी के खिलाफ, खुद अबैंडन करके आ गई है वो बात और है, अलग है। लेकिन अगर छीना है, सिर्फ एक सिंपल दरख्वास्त देनी है, सेशंस जज आपकी डिस्ट्रिक्ट का 100% आपकी मदद करेंगे और कानून आपके फेवर में है, उसी दिन आपको वारंट भी देंगे, बेलिफ भी देंगे, जो जो ऑपरेशन है सरकारी मशीनरी वो औरत के हक में इस्तेमाल होगी और अगले दिन सुबह 8:30 बजे बच्चा माँ के हाथ में होगा। फिर औरतें क्यों रो रही हैं? पता नहीं, उनको कोई बताता नहीं होगा।
वहां से तो आके रोज बच्चे ले रही हैं। आप शो करते थे ख्वाजा नवीद की अदालत, आपकी अदालत, और आपने शुरू, बाय द वे ही स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम है जिसको स्टार प्लस टीवी ने कॉपी किया, इसलिए कि लंदन में जब ये प्राइम टीवी पे दिखाया And जाता था फ्रॉम आवर चैनल ना, मैंने नहीं उससे किया था, टीवी वन से 2005 में शुरू किया था, 2014 तक किया। अच्छा, बीच में एक साल लेके देखती जब मैं हाईकोर्ट का जज था, सिर्फ वो एक साल तक बंद किया। अच्छा, वो मैंने लाइव चलाया दिन को कोर्ट में। अच्छा, यू हैड फन। ये टीवी का बेसिकली ये एजुकेशनल प्रोग्राम था। अच्छा, तो लेकिन वो मेरी आदत की वजह से वो थोड़ा सा मजाइया हो गया, विटी हो गया, लेकिन फैक्ट ये था, इट वाज अ फैंटास्टिक शो। मैं उसमें जजमेंट देता था, और मेरा ये दावा है कि अगर आपका यही मसला है तो आप चाहे सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं, फैसला यही होगा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के लेड डाउन लॉ की, सारे केसेस असली थे, बंदे फेक बिठाते थे क्योंकि असली अच्छा। बंदे टाइम दे के आते नहीं थे। देते थे, आते थे, केस सारे असली थे, केसेस असली थे। यू एंजॉयड वर्किंग, मजा आया, मुझे तो अपने लाइक फील कर रहा, लाइक इट्स ग्रेट फन। आई मीन ठीक है, लाइट्स बंद हो जाती है, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, बट इट्स फन। आई मीन व्हाट डू यू एंजॉय मोर, आपका जो एक्चुअल प्रोफेशन है व्हिच इज लॉयर, बीइंग अ लॉयर? लॉयर तो जाहिर है जी, क्योंकि एक तो मेरी रोजी रोटी, बट ड्राई हो जाता होगा। नहीं, मैं जिस तरह से करता हूँ मुझे ड्राई होने नहीं देता। अच्छा, ओके, कहते ना आपने इतना काम करा है, सब काम करा है, व्हिच केस हैव यू एक्चुअली बीन पर्टर्ब्ड बाय? आई मीन आप लॉयर के तौर पे काम करते हैं। नहीं, मैं पहले तो वो बताऊं कि क्या हुआ कि जब मैं हाईकोर्ट का जज था जी, तो एज अ जज ऑफ द हाईकोर्ट आई वॉज इन चार्ज इज जज ऑफ होल ऑफ सिंध एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स। तो बेनजीर साहबा की शहादत हुई, तो ये क्लिफ्टन थाने वाले क्या हुआ कि 150 के 175 बंदों को पकड़ के ले आए कि भाई वो जो हंगामों में लूट मार की है तो ये वो लोग हैं, तो मुझे उनका रिमांड देना था। तो खैर, हमने 175 बंदा वो कोर्ट में बिठाया, तो सामने एक लंगड़ा ऐसे ही आ रहा था, फकीर। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ओए तुम्हें कहाँ से उठाया? कहता हमको अब्दुल्ला शाह गाजी से उठाया। मैंने कहा तुम उधर क्या कर रहा था? कहता हम उधर चरस लेने गया था। ओके, तो मैंने कहा चरस मिली? कहता नहीं। मैंने कहा मंगाऊं? कहता हाँ। तो मैंने वो पुलिस अफसर से कहा जो लेकर आया था, मैं कह, ये तुम किन लोगों को पकड़ लाए हो? वो हाईकोर्ट के जज को कह रहा है मुझे चरस मंगा दो, तुम उसे ले आए हो बेनजीर भुट्टो के शहादत के कत्ल के लूट मूट में केस में, समझे ना? मैंने उसे गुस्से से कहा, मैंने कहा दिखाओ मुझे पेपर्स क्या लाए हो। तो उसके हाथ से जब फाइल ली मेरे रीडर ने और मुझे दी, तो उसमें सिवाय वो 175 लोगों के नाम की लिस्ट थी, FIR भी नहीं लगी हुई थी। तो मैं कहा तुमने इन्वेस्टिगेशन क्या की है, इनको पकड़ा कैसे है? तो बेचारा चरस लेने आया था, लूट मारने करने आया। अब आप सुने मैंने क्या किया, ये सुने, ये मैंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में व्हेन आई वाज इनवाइटेड एज अ कीनोट स्पीकर, तो वहां एक वाकया सुनाना होता है अपनी लाइफ का, तो मैंने बताया। तो क्या हुआ कि मैंने उन सब के सब बंदों को पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ने का हुक्म दिया 7 दिन के लिए। लेकिन मैंने उनको कहा क्या, मैंने कहा देखो तुम्हारी जमानत मैं ले रहा हूं, तुमने 7 दिन के बाद आना है, मैं तारीख दे रहा हूं, अगर एक आदमी भी गैर हाजिर हुआ तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, ये मैं उन लोगों को कह रहा हूं। और मैंने सबको छोड़ दिया। आप यकीन करें 7 दिन के बाद डेट थी, हमने हाजिरी ली, 175 के 175 आदमी पूरे थे, वो लंगड़ा भी नहा के आ गया था, मुझे दूर से हाथ हिला रहा था, उसको उन्होंने कहा ये चरस मंगा के देगा। तो वो भी हाथ हिला रहा था, मैंने कहा हाँ हाँ मैंने तुम्हें देख लिया है। राइट, तो मैंने वो जो हार्वर्ड की स्पीच थी उसमें मैसेज देना होता है, तो मैंने मैसेज यही दिया, मैंने कहा कि इफ यू प्रोवाइड जस्टिस एंड लव टू द पीपल इन रिटर्न दे गिव यू मच मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। दैट आई थिंक इज समथिंग टू रिमेंबर। और अगर आपको 2 मिनट हैं तो प्रिटर्ब वाला केस भी सुना दूं। आप प्रिटर्ब वाला भी सुना। तो एक बड़ी ग्रेसफुल औरत, टॉल और अपने वक्त की कोई बड़ी हसीन रही होगी और 45-50 साल के करीब उम्र थी, तो वो खड़ी हो गई आके। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है आपका? उसने कहा सर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरी 6 बेटियां थी, तो किसी ने मेरी शादी जो है वो किसी बंदे से अरेंज की,
तो मैंने कहा चलो बच्चियां पल जाएंगी, मैंने उससे निकाह कर लिया। उसने कहा पहला काम तो उस बंदे ने ये किया कि मेरे मरहूम शोहर के जो पैसे थे वो सारे खा गया। अब जब उसकी बुरी नजर मेरी बेटियों पे पड़नी शुरू हुई तो मैंने कहा दिस इज नॉट गोइंग। तो उसने कहा ये सैयद की बेटियां हैं और मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगी। तो उसने सूट फाइल करके उस बंदे से खुला ले लिया, उसने मुझे खुला की जजमेंट हाथ में पकड़ाई। अब उस बंदे ने क्या किया, उसने नवाब शाह में जाके एक मैजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेंट रजिस्टर कराई, उसमें ये लिखा कि इस औरत ने और इसके एक भाई ने मुझसे 1,00,000 रुपए लिए कि हम तुम्हें कराची से पुराने टायर सप्लाई करेंगे, तो मैं इनसे टायर जब भी मांगता हूँ ये मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, और अभी लास्ट वीक दोनों बहन भाई नवाब शाह मेरी दुकान पे आए, वहाँ फलाना जुम्मन साईं थे फलाना साईं बैठे थे, उनके सामने मुझे मार जान से मारने की धमकियाँ दी। अच्छा, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने दफ़ा 420 और 506B के उन बहन भाइयों के वारंट इशू कर दिए। मैंने उस औरत से पूछा आपका भाई कहाँ है, मुझसे पूछती है कि जज साहब कौन से भाई आजकल बहनों के साथ आते हैं। अच्छा, अब मैंने वो पूरा केस पढ़ा, इन्होंने क्वाशमेंट की एप्लीकेशन डाली, 3 साल से हाई कोर्ट में उस एप्लीकेशन में डेटें पड़ रही थी, कभी सरकारी वकील नहीं है, कभी इनका वकील नहीं है, कभी कोर्ट में बारी नहीं आई, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने उसी वक्त उसकी प्रोसीडिंग क्वैश की, अंग्रेजी में ऑर्डर लिखवाया। अब उर्दू में आप सुनिए, कोर्ट भरा हुआ था पब्लिक से, मैंने उर्दू में इस औरत को बताया कि फैसला क्या है। मैंने कहा बीबी आपके और आपके भाई के खिलाफ केस ख़त्म कर दिया है, आपको बरी कर दिया है, और जिस मैजिस्ट्रेट ने वारंट निकाले थे उसका मैंने शो काज नोटिस निकाल दिया है। तो जितने हॉल में लोग बैठे थे कोर्ट में सब ने क्लैपिंग शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा कि कोर्ट में क्लैपिंग नहीं होती। तो ये जो केस था इसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया कि एक मैजिस्ट्रेट को सोचना चाहिए कि एक औरत नवाब शाह में आके कहाँ ठहरेगी, ना वहाँ होटल है, ना कोई पब्लिक सिस्टम है, ना कोई रहायश है, और तुम 1,00,000 रुपए के ऊपर। एक्चुअली अ वेरी गुड सोल ख्वाजा साहब, यू एक्चुअली आल्सो बिकम माय हीरो एंड आई एम श्योर एवरीवन। ये भी रिपोर्टेड केस है उसमें पीएलडी में, और वो भी एवरीवन हु इज सीइंग दिस इज आल्सो मोस्ट प्रोबब्ली सिटिंग देयर एंड गोइंग ओके यू आर देयर हीरो टू। पर ये मेरे हार्वर्ड की जो स्पीच है यूट्यूब पे है, इट्स ऑन यूट्यूब। ये दोनों वाक्य उसमें है। I know you Ketana. Ajay, I am the only lawyer in Pakistan who has been invited in Harvard Law School as a keynote speaker. और मुझसे पहले साल में वो हैरल्ड को जो बराक ओबामा के लीगल एडवाइजर है स्टेट डिपार्टमेंट के, येल लॉ स्कूल के वो डीन थे, तो 2011 में वो थे और 2012 में आई वॉज द कीनोट स्पीकर ऑल पेड ट्रिप। Can you imagine all pain? Now stop showing off, Khwaja Sahab. Thank you so much. It was a pleasure having you on the show. Thank you, and thank you very much for calling. That's all for now. Until next time, that was Khwaja Naveed. Take care of yourself. Be good. Bye bye.